नमस्ते भाई, जुकाम और रखा है मेरे को बहुत कस के, तो थोड़ा सा सब्र कर लेना, थोड़ा सा पेशेंट हो जाना मेरे साथ। प्रॉब्लम आई है इंसान की, कपड़े शपड़े दूसरों के देखते हैं, मेरे पास है नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पहनने को। काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ बढ़िया, लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी है, जो मुझे बुरा लगता है कपड़े नहीं पहन सकते इसको लेकर, मैं कैसे इसको परसीव करूँ, हाउ टू डील और हाउ टू सी दिस, ठीक है, हाउ टू गो अबाउट दिस बेसिकली। हो सकता है आप में भी काफ़ी लोगों जिनको दूसरे की अमीरी देख के दिमाग खराब होता है और निराशा भी होती है। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला तो भाई, इस पर कोई दो राय नहीं है कि आपको बहुत ज़बरदस्त लेवल पे मेहनत करनी है, आपको अपग्रेड करना है, और मेहनत करनी है स्मार्ट वे में, स्ट्रैटेजी में। अंध, बेवकूफ, गबरू, वो ज्वाला की तरह काम नहीं करना कि बस खुद जाए, भिड़ जाए, जो भी चीज़ों में ना खुद जाओ, भिड़ जाओ, ये कर दो वो कर दो, ये सुनने में ही अक्खड़ लगती हैं। आप छोटे से ऑपरेशन से लेके बड़ा ऑपरेशन, आप इंडिविजुअल ऑपरेशन से लेके ग्रुप ऑपरेशन, आप कोई भी ऑपरेशन उठा के देख लो, डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, सिस्टमैटिक होता है। डॉक्टर कभी अंदर आके ना ऑपरेशन टेबल पे ये नहीं कहता सर्जन के हाथ फाड़ देंगे, काम होता कैसे है ये सीखना है, क्योंकि तुम्हें काम करना है, क्योंकि तुम्हें मुकाम पे पहुंचना है। आर्थिक परेशानियां, स्ट्रेस को लेके परेशानियां, घर को ना चीजें दे पाने की परेशानियां, जिम्मेदारी की परेशानियां, अपने ऊपर अपने एवोल्यूशनरी जो पर्पसेस हैं उनको फुलफिल ना करने की परेशानियां। हो सकता है मैं काबिल ही ना हो किसी एक युवती के लिए, मुझे एक दिन कोई प्यार करेगी। सबके लिए पैसा चाहिए ना, तो पहले सीखो सिस्टमेटिकली काम कैसे करते हैं। इसलिए 5 घंटा रोज काम करना शुरू करो या 4 घंटा रोज काम करना शुरू करो, और धीरे धीरे उसमें सिस्टम लाओ। जिंदगी में पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि आपको पैसे से मुक्ति मिले, समझना। द पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इज यू आर नॉट वरिड अबाउट मनी एनी मोर। मटेरियल पाथ आपको हमेशा उस लूप में फंसाए रखेगा जिसमें तुम भागते रहोगे। आज ये रूप है तो कल कोई रूप है, कल इस तरह की चीज है, कल वो तरह की चीज है। तुम क्या कह रहे हो, मेरे को किस बात का डर है, मेरे पास कपड़े नहीं है। लेट्स जस्ट से अभी तुम्हारे पास मैं 10 लाख रुपए डाल देता हूं, तुम जाओगे कपड़े खरीद डालोगे, भर डालोगे तुम्हारे उसमें, ठीक है। आप वो कपड़े 6 महीने में हो गए पुराने, सारे के सारे जो खरीदे थे। कपड़े के अलावा आप तुम्हें पता चलेगा और 10 लाख है, तो मैं और 10 लाख के अंदर अंदर दायरे में जितनी चीज आते हैं वो क्या खरीद सकता हूं, वो भी खरीदोगे तुम बैठ के। इस रेस का कोई अंत है नहीं, हमें जीवन में आगे बढ़ना है पैसा कमाने की ओर, इस अवेयरनेस के साथ कि हमें पैसे की गुलामी भी नहीं करनी। यानी कि एक तरफ मुझे पैसा बहुत कमाना है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे पैसे से मुक्ति चाहिए, मैं इसलिए कमा रहा हूं, मैं पैसे का गुलाम नहीं हूं कि मेरी पूरी जिंदगी से भी हो जाए। मैं लोगों को बताऊं मेरे पास कितना पैसा है, मेरी पैसे ही मेरी आइडेंटिटी है, मैं इतने महंगे कपड़े पहनता हूं, मैं इतनी महंगी कार से चलता हूं, ये देखो मेरे पास ये गैजेट है। उन तरह के लोगों से मिले हो ना, वहां झटुए लगते हैं कि नहीं लगते, दिमाग खराब होता है कि नहीं होता, 15 मिनट के बाद कुछ होता नहीं है बात करने को, उसको लगता है मैं समाज में एक ही तरह से जीत सकता हूं। जहां पे अगर तुम समझोगे कि जीवन को जीने का मतलब जीतना है ही नहीं, क्योंकि एंड में तो मौत है, सबके जीवन का अंत है मौत, मृत्यु, तो कौन सी जीत की एक्चुअल में इतनी बड़ी वैल्यू है कि वो मौत को हरा दे, घंटा नहीं है। तो जीतना तो वैल्यू है ही नहीं ना लाइफ की। लाइफ को सुख शांति चैन से जी पाना है, सुख शांति चैन के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए पैसा कमाओ। दूसरा प्रोसेस जो तुम अपने दिमाग में शुरू करना है वो यही है कि ये जो चोचले हैं जीवन के जिसमें तुम्हें फंसाया जाएगा कि तुम हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, ये आइडेंटिटी, पैसा की गुलामी, पैसे के द्वारा जो चीजें हम खरीदते हैं उनकी गुलामी, वो सब तुम्हें जो गुलाम बनाते हैं, कंज्यूमर बनाते हैं, तुम्हें लगता है अगर इनके बिना मैं कुछ नहीं, और जब मेरे पास ये चीजें होंगी तब मैं कुछ होंगे, और मैं तब मैं इंस्टाग्राम में डाल सकता हूं, तब मुझे लोग देख सकते हैं, तब मैं इनके बराबर खड़े हो सकता हूं, ये स्टेटस। सोचो कितनी बेवकूफ चीज हुई पैसा कमाने के लिए। व्हाट्स द फकिंग पॉइंट ऑफ अर्निंग मनी, ताकि एक दिन हम 4 चुतबैलों के साथ खड़े होके ना पाए कि भाई तेरे पैसे का कितना टैग है और मेरे पैसे का कितना टैग है। चचा आप पढ़ लिख के वहीं रहे जो 15 साल के दिमाग में जिसमें ये आइडिया आया था। अगर एक तरफ इवॉल्व कर रहे हो या बढ़ रहे हो आगे, तो अपनी बुद्धि में जीवन को जीना कैसे है उस सोचों में भी तो बढ़ो ना। अगर दिमाग से अभी वही 15 साल के बच्चे के दिमाग में जो चीजें थी वही फुलफिल कर रहे हो, तभी मैं देखता हूँ 40 साल के आदमी का पैसा हो गया कर क्या रहे हैं, वही बैठ के लड़कियों पीछे भाग रहे 20 साल के, 19 साल की, तो आप वही 15 साल की मुठबाजी तो है। आपके दिमाग की ग्रोथ क्या रही, क्या के अंदर 40 साल में इतनी वृद्धि नहीं हुई दिमाग में, चरित्र में, अपने कर्म में, कि मैं रोक पाऊं मैं जो 15 साल में जो लड़का था उसको अपने अंदर से, वही तो रहना फिर तुम। अगर तुम 40 साल की हो के तुम्हें लग रहा है मैं वही 15 साल की सुंदर लड़की क्यों नहीं हूं, इसके लिए मैं दुनिया भर की सर्जरी कराऊंगी, मेरे को कुछ भी हो जाए मैं ये
दुनिया में इस निष्कर्ष से मैं किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं कर सकता कि भैया मेरी उम्र हो गई है एक, तो तुम कौन हो? दिमाग से तो तुम अभी वही 20-22 साल की लड़की हुई ना, चूंकि हैंडल नहीं कर पा रहा कि भाई एज हो रही है हमारी और जीवन का मतलब क्या है इन दोनों लोगों के। मैं हमेशा से अमीर दिखूं, अबे हम सब एक खतरनाक लेवल पे भौतिक भ्रमों में फंसे हुए हैं। पैसा एक रियल लाइफ में एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। शांति को प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा स्रोत है पैसा, लेकिन पैसे का इस्तेमाल कर पाओ, और इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास ये बुद्धि होनी चाहिए, तुम्हारे चित्त में इतनी समझ होनी चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं आपसे एक नमन करूंगा हाथ जोड़ के, मेरे दोस्त, अपने दिमाग में हो सके तो आज जो भी चीजें हैं मैं समझ सकता हूं ये हैं, बट इनको विजिबली देखना स्टार्ट करो। इनको देखो कि ओके मैं फील कर रहा हूं, ठीक है मैं क्यों फील कर रहा हूं और इसका अंत क्या है। अभी तुरंत आंसर नहीं मिल जाएगा जीवन में, समझदारी का उत्तर सिर्फ ऐसे नहीं मिल जाता कि प्रश्न पूछ लिया और मिल गया, साल हो सकता लग जाए, लेकिन मेरे दोस्त उस पथ पे चलना तो शुरू करो, प्रश्न पूछ के कहो कि मैं खोजना चाहूंगा इसका उत्तर, वो हो सकता है 4 साल बाद समझ में आए, लेकिन जो पथ पे चल गया वो एक दिन पहुंच जाएगा। हजारों लोग, करोड़ों और करोड़ों के और करोड़ों कर लो मैं कह रहा हूं इस पृथ्वी में, तो चलते ही नहीं है ना, वो उनको लगता है यही अंत, यही है कुल मिला के मतलब जीवन का, पैसा कमा लें। पूरा पूरा अमेरिकन कल्चर पीएचडी इस चीज पे है, मटेरियलिज्म बेच लो, मैं लड़कियां बहुत सारी टला सकता हूं और मैंने बहुत पैसा कमा लिया इसलिए मेरे को इज्जत मिलनी चाहिए, मैं बहुत ही कूल आदमी हूं। पूरा पूरा सोशल मीडिया, उनका जो इन्फ्लुएंसर है उनका पूरा बेस यही है। आप जीवन में जो आप कह रहे हो ना ये 18 में समझ जाना चाहिए फिलोसॉफिकली, अगर आप समझो। एक रीजन है, बहुत स्ट्रांग रिसर्च है कि 40 के बाद प्रिडोमिनेंटली बहुत हाई नंबर में लोगों के लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस आती है 40 पे, और 50 में वो चीज खत्म हो जाती है, उसका डिफरेंट रीजन है। लेकिन समझो आपने कभी फिलोसॉफिकल जर्नी करी नहीं, आप इतनी भौतिक चीजों में सोच के बैठ के कन्विंस हो गए कि भाई यही आंसर है। अरे 30 तक मजे कर लोगे, 35 तक कर लोगे, 35 तक देखेगा तो लूप ही है, तो इस लूप में तो मुझे मजे मिल ही नहीं रहा है, और फाइनली इस लूप ने मुझे निकाल के फेंक दिया 35 के बाद। मैं तो भाई मेरी उम्र वैसी हो गई कि मेरे को लूप काउंट ही नहीं कर रहा है। अभी कह रहा आप ओल्ड हो गए हो, करते रहो, तुम इररेलेवेंट हो गए हो, इनसिग्निफिकेंट हो गए हो। 40 में कैसे नहीं आएगा कि भाई जितना भी कुछ किया, जितना भी कुछ पाया, जितना भी पैसा कमाया, वो तो खुशी नहीं दे रहा, कैसे नहीं लगेगा तुम्हें? मैं कौन हूं पे तुम गए नहीं, कोई सेल्फ कंट्रोल है नहीं, अपने जीवन को कभी कंट्रोल वे में नहीं जिया नहीं, तुम कंट्रोल क्या कर गए? अपने पैसा कमाने की कैपेसिटी, जो तुम 20 25 30 साल में सीख चुके थे। पैसा तो कमाना शुरू कर ही दिया था ना तुमने। अगर 45 तक भी तुम्हारी जिंदगी यही है कि बस मैं पैसा और कमा लूं, तो तुम में और वो 25 साल के इंसान में डिफरेंस क्या है? अबे 25 साल के इंसान का टेस्ट है पैसा कमाना, 45 या 40 साल के या 35 साल के इंसान का टेस्ट कुछ और होना चाहिए ना। पैसा तो 25 साल से शुरू हो गया ना कमाना, अबे इस पैसे को साइड में रखो और बड़ा मेरा पर्पस क्या है, मेरा, मेरी बुद्धि का, मेरे एग्जिस्टेंस को लेके, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, किस चीज का गुलाम बनना चाहता हूं, किस चीज को चाहता हूं मेरी जिंदगी में जो मेरे से ऊपर हो, और कौन सारी चीजें हैं जो एलिमेंट मुझे खतरा दे जिनको मैं अपने नीचे कंट्रोल में रखना चाहूंगा। पैसा वरना तो एलिमेंट है जिसे तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना है, तुम्हें अपने सर पे नहीं चढ़ाना उसको। तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है पैसा, तुम्हारी आइडेंटिटी होमो सेपियन है, मैमल है, प्राइमेट है। अब उसके ऊपर तुम क्या करते हो तुम्हारे कर्म बताते हैं, तुम्हारी कर्म और तुम्हारी सोच बताएगी तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है उसके ऊपर। अब तुम्हारी सोच कितनी तुमने डेवलप करी ये है प्रश्न, क्योंकि तुम्हारी सोच जितनी डेवलप्ड है वैसे तुम्हारे कर्म देखेंगे, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है? चलो।